खास रिपोर्ट में हम आपके साथ हिंदी सिनेमा जगत का वो किस्सा साझा करेंगे जिसके तार शशि कपूर और शर्मिला टैगोर के साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर कपूर खानदान के सबसे हैंडसम बेटे माने जाते थे। उनके लिए लड़कियों की दीवानगी ठीक वैसी ही थी जैसे किसी दौर में देवानंद साहब और राजेश खन्ना के लिए हो। शशि कपूर बेहद चार्मिंग थे और यही वजह थी कि लड़कियां उनकी ज़बरदस्त फैन थी। फिल्मों की हीरोइनें उनके साथ एक बार काम करने को तरसती थी। शूटिंग के बाहर उनकी एक झलक के लिए लड़कियां पलके बिछाए बैठी रहती। फिल्म जगत में शशि कपूर उन अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल थे जिन्होंने रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी को सिने पर्दे पर बहुत ऊंचाई दी। शशि कपूर की आभा ऐसी थी कि बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। जब पहली बार शशि कपूर के साथ शर्मिला जी की मुलाकात हुई तो उनके पैर कांपने लगे। शर्मिला टैगोर शशि कपूर की बहुत बड़ी फैन थी, हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। और जब 1965 में शर्मिला जी की ये चाहत पूरी हुई तो ये चाहत शर्मिला जी को काफ़ी ज़्यादा डरा कर गई। शर्मिला को शशि कपूर के साथ फिल्म वक्त में पहली बार काम करने का मौका मिला। जब इस फिल्म का पहला सीन शूट हो रहा था तो शर्मिला टैगोर शशि कपूर के सामने खड़ी थी। अपने चहेते सितारे को सामने पाकर सीन करते वक्त उनके पांव कांप रहे थे। शर्मिला की ये हालत देखकर डायरेक्टर ने शूटिंग बंद कर दी क्योंकि नौबत बदहवासी तक आ गई थी। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर, इनके बीच एक स्टार और फैन वाला जो रिश्ता था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी शर्मिला टैगोर जब उन्हें शशि कपूर के साथ शूटिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।